तो ये आपको जो है सामने बहुत ही सुंदर से जो है वो शैक नज़र आ रहे होंगे। दूर तक सामने जो है वो एक पैरा सेलिंग के लिए प्रिपरेशन हो रही है। और आपको थोड़ा सा इधर इधर मैं घुमा के दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सी नज़र आ रहा है, बीच है, बहुत ही सुंदर सी वेव आ रही है। ये है साउथ गोवा का बहुत ही सुंदर एक और बीच जिसका नाम है बेनोलिम बीच। तो आज मंथ ऑफ जनवरी 2024 में मैं आया हूँ बेनोलिम बीच आपको दिखाने कि अगर आप इस समय जनवरी में साउथ गोवा का आने का प्लान कर रहे हैं, गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप बेनोलिम बीच या साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कैसा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग बाय रितेश। तो चलिए एक्सप्लोर करते इस खूबसूरत से बीच जिसका नाम है बेनोलिम। ये है बेनोलिम बीच की पार्किंग, ये आप देख पा रहे हैं टू व्हीलर है और मेरे पीछे जो है यहाँ पे ये फोर व्हीलर का पार्किंग है। यहाँ पे भी कोई आपको पार्किंग का पे नहीं करना पड़ता है और स्टार्टिंग में आपको एंट्री पर ही जो है ये परमानेंट रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कि एक है पेड्रोस, काफ़ी पुराना है ये, आप अगर मानसून में भी आते तो ये ओपन रहेगा। और दूसरा है ये जॉन्सी, ये दो परमानेंट रेस्टोरेंट है यहाँ के और आप किसी भी सीज़न आए ये आपको अपनी सर्विस देते हुए मिल जाएंगे। और सामने ही आपको ये ब्यूटीफुल सा बीच दिखता है जहाँ काफ़ी सारी जो है फिशिंग बोट्स भी जो है वो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना वो ख़ास बात है इस बीच पे, जब हम बीच पे चलेंगे एकदम एग्जैक्टली पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये लेफ्ट में मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे पैरासेलिंग के लिए जो है प्रिपरेशन चालू है इनकी। यहाँ पे भी जो है कोलवा बीच की तरह ही जो है बीच से ही जो है पैरासेलिंग ये लोग करवाते हैं। आपको थोड़ा पास चल के दिखाता हूँ, रेट क्या है वो बताता हूँ और इस समय कैसा है बेनोलिम बीच साउथ गोवा का एक और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर सा बीच है ये, उसको एक्सप्लोर करते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो वहाँ देखिए आप आखिर तक जो है वो पूरे शैक्स है यहाँ पे, वो आप देखेंगे तो पूरे शैक यहाँ पर है। और मैं आपको इधर से दिखाऊं तो यहाँ भी आपको जो है वो काफ़ी सारे देखिए शैक आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही बड़ा बीच है और ये काफ़ी फेमस है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या स्पेशल है तो आप देखेंगे इसकी जो सैंड है एकदम वाइट है, आप देखिए एकदम वाइट सैंड है यहाँ पे। और ये मोस्टली साउथ गोवा में जितने भी बीचेस है उन सब पे आपको वाइट सैंड ही देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो वहाँ पर थोड़ी जो येलोइश होती है वैसी रहती है और यहाँ पर ये काफ़ी बारीक भी है। आप देख सकते हैं कितनी वाइट सैंड है और कितनी सुंदर लग रही है ये धूप के साथ। ये यहाँ का एक काफ़ी फेमस शेक है मेलबू, ये काफ़ी अच्छा है। और आपको मैं उधर दिखाऊं तो डोमिनिक शेक है, ये यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है और आप देख सकते हैं कितने सारे फॉरेनर्स यहाँ पर है। यहाँ पे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी शांति है, आपको कोई भी म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही होगी, यहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा है किसी भी तरह का और इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी रिलैक्स है, उनको ऐसी ही चीज़ पसंद आती कि आराम से बीच बेड पे लेटे हुए हैं, रिलैक्स है वो लोग और स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ अपना ड्रिंक्स और अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग जो है वो इस तरह के बीचेस आना पसंद करते हैं। आप देख सकते मोस्टली जो है वो फॉरेन टूरिस्ट ही है, भारत के डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ नहीं आते हैं बट अगर हम कंपेयर करें तो हाँ यहाँ पे ये टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए ये है ओल्ड कपल, ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं गोवा को और इसी तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी शेक है ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी जो है वो म्यूज़िक नहीं बजा रहा है, कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं कर रहा है। और सामने आपको जो है वो फ़िशिंग बोट्स दिख जाएगी, वो सामने आपको ये फ़िशिंग बोट्स है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो
फिशिंग के लिए बोट्स जाती है साउथ गोवा में। और अगर हम बात करें एक्सट्रीम नॉर्थ में, जैसे मॉर्जिम हो गया, मांद्रिम हो गया और आरंबोल हो गया, वहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी जो है वो फिशिंग बोट्स वहाँ पे रहती है और वो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें बागा, कालंगुट, कोंदोलिम, तो यहाँ पे अंजुना, यहाँ पे इतनी फिशिंग बोट्स ना के बराबर है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग जो है वो फिशिंग के लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स इसलिए लिमिटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे फिशिंग के लिए जो है वो बोट्स जाती है तो अलाउड नहीं है ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर जो है वो वेव आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप पानी का कलर देखेंगे बहुत एकदम ब्लू। हालांकि वेदर उतना क्लियर नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सीज़न में, क्योंकि इस साल जो है वो वेदर थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन ही रहा है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ में अभी तक जो है वो ठंड नहीं पड़ी है, इतनी बर्फ़ भी नहीं गिरी है कश्मीर तरफ। उसका इम्पैक्ट जो है वो गोवा में भी हो रहा है, और वो इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पे वेदर, हालांकि जो पिछले हफ्ते दो थे काफ़ी अच्छा था, बट इस समय आप देख सकते उतना अच्छा वेदर नहीं है उसके। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे कुछ लोग जो है वो स्विम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये फिशिंग बोट है और ये पैरासेलिंग के लिए जो है बिल्कुल इनकी जो ये पैराशूट है वो तैयार है। और कुछ अभी फिशिंग बोट जो है वो आई है, फिशेस वो लोग उसमें से निकाल रहे नेट में से। और इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ शैक्स दिख जाएंगे, और वहाँ आप आखिर में जाएंगे स्ट्रेट, तो आप यहाँ से ही वॉक करते करते कोलवा बीच जो है वो चले जाएंगे। तो ये और कोलवा बीच जो है वो एकदम से लगे हुए हैं। आप वॉकिंग करेंगे, वॉक करेंगे आप तो आप कोलवा बीच चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा बीच है ये, आप आएँ तो ज़रूर साउथ गोवा में इसको एक्सप्लोर करिएगा। यहाँ पे शाम में भी बहुत अच्छा लगता है और नाइट भी यहाँ पे जो है काफ़ी हैपनिंग रहती है। ये देखिए कितने अच्छे से इन्हें जो है अम्ब्रेला लगा रखे हैं, बीच बेड एकदम सामने लगे हुए हैं। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक आपने जो है इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।